मम्मी मारेगी क्या? चिल्लाएगी। रास्ते पे नजर नहीं आ रहे भाई, किधर किधर से ला रहा हूँ भाई, इतनी छोटी गली। ओ भाई परेशानी तो बहुत है, जैसे देखे तो कितने सब है, पूरा आ जाता है। हाँ हाँ, इतनी खतरनाक गली है भाई, मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ। खास करके तो ये है कि मट्टी ऊपर का तभी परेशानी भी हो रही है। हाँ तो भाई देख लो भाई, ये होती है भाई मुंबई की स्लम एरिया की लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्लॉग शो। फाइनल लगे स्वागत है आप सभी का मुंबई की सीरीज के तीसरे एपिसोड में। तो गाइस आज के व्लॉग में मैं आपको सभी को दिखाने वाला हूं भाई मुंबई के स्लम एरिए। जैसे गाइस आपको बता दूं, आज मैं निकलने वाला हूं भाई मुंबई का वर्सोवा बीच की साइड। जैसे कि बता दूं गाइस, वहां पर जो ना समुद्र के किनारे वगैरह लोग रहते हैं, तो किस तरह से रहते हैं भाई, जैसे कि आपको बता दूं इस टाइम समुद्र का जो किनारा है वो ओवरलोड हो रहा है, तो वहाँ के लोग किस तरह रह रहे हैं उनकी पूरी लाइफ आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर सारे आ चुके हैं, अपने जावेद भाई है, ये अपने जुनेद भाई है और वो अपने शैम भाई हैं, तो ये सारे लोग अपने साथ जाने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं भाई आज का व्लॉग कैसा बन पाता है। फटाफट से यहाँ से निकलते सीधा अपनी नाव से, क्योंकि ये जो समुद्र है ना वो हमें पार करना पड़ता है, तो यहाँ का टिकट वगैरह कितना होता है वो सब आपको बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो देखते हैं आज का व्लॉग कैसा बन पाता है, तो आप लोग कंटिन्यू व्लॉग में बने रहना। चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। जैसे भी टिकट वगैरह ले लिया भाई, यहाँ पर मात्र 10 रुपए का टिकट होता है, तो पीछे काउंटर पर टिकट मिलता है। तो यहाँ से जो है ना मुझे जाना है वर्सोवा, तो यहाँ से जो है ना नाव से समुद्र पार करना होता है, क्योंकि ये एक ही रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ से नाव वगैरह देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो भाई वो सामने आ रही है ना, इसी से हम रास्ता पार करने वाले हैं। और ये पूरी समुद्र आप देख रहे होंगे भाई, पानी पानी हो रहा है और यहाँ पर सारे लोग होते हैं। चलो फटाफट से इसको पार करते हैं। गाइस अभी 2 मिनट का रास्ता तय करके भाई उतर चुका हूँ नाव से, फटाफट से आप निकलते हैं अपने स्लम एरिया की तरफ। और गाइस आपको बता दूं भाई, आप ही देख सकते हो चारों तरफ जहाज जहाज, किस कदर जहाज खड़े, क्योंकि अभी जो है इनका सीजन वगैरह नहीं है। तो अभी फटाफट से देख सकते हो कितनी दूर दूर तक जहाज वगैरह आप देख लो। ये सारे जो है ना जब यहाँ पर मच्छी वगैरह पकड़ी जाती है ना, तो उस टाइम ये सारे यूज होते हैं। बट अभी जो है ना सर्दी मतलब बारिश वगैरह ज्यादा पड़ रही है, तो उसके कारण इनको सबको साइड से खड़ा कर दिया गया है। भाई सभी बिल्कुल आ चुका हूँ भाई समुद्र के किनारे, और मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाता हूँ भाई। देखो अभी पानी थोड़ा पीछे है, और ये रात के वक्त जो है ना शाम के टाइम में सारा पानी यहाँ तक चढ़ जाता है भाई। ये देखो सारा दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, और जितने भी ये सारे लोग रहते हैं ना गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाई पूरा स्लम एरिया देखो वहां से वहां तक, किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, कितना स्ट्रगल, कितनी मतलब मजबूरी में यहाँ पर रह रहे हैं लोग, और क्या मतलब कितना खतरे में भी रह रहे हैं भाई। यहाँ रात दिन खतरा हो सकता है, कोई पानी कभी भी ओवरलोड हो सकता है। अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मैं चल रहा हूँ ना, तो यहाँ तक तो पानी आता ही आता है रात तक देखो। बट अभी दिन है ठीक है, दोपहर के 12-1 बज रहे हैं, तो अभी पानी पीछे है ठीक है, और पानी जो है ना यहाँ तक ओवरलोड हो जाता है। तो अभी जितने भी स्लम एरिया में रह रहे हैं यहाँ पर बस्ती में लोग, तो कभी भी पानी ओवरलोड हो सकता है, कभी भी इनकी बस्ती में जा सकता है, तो कितने खतरों से खेलकर ये लोग रहते हैं। तो चलो जैसा भी अभी फटाफट से आगे की तरफ बस्ती के अंदर आ चुका हूँ भाई, वहां से सीधा समुद्र के किनारे से। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरे लोग किस तरह से रहते हैं भाई, और ये जो है ना थोड़ा ऊपर बना हुआ है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं भाई, उधर देख रहे होंगे समुद्र है पूरा, और ये जो बस्ती है ना पूरी थोड़ा ऊपर बनी हुई है, तो यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। बट ये लोग किस तरह से रहते हैं भाई देख सकते हो आपको, मतलब कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत और खतरे से लड़ते हैं। वगैरह नाव वगैरह सब खड़ी हुई है, ये पूरी मछुआरों की बस्ती है, गोली मतलब यहाँ पर गोली बोलते हैं मुंबई में गली के अंदर। और ये बच्चा मुझे इस गली को पार दिखाएगा, और देख सकते हो भाई लोग किस तरह से यहाँ पर रहते हैं। ये देखो क्या नाम है बेटा आपका, आविष्कार। वही देख सकते हो किस तरह से लोग रहते हैं, ये देखो पूरी गली मतलब धारा वी को पीछे छोड़ दिया भाई, समुद्र किनारे किस तरह से लोग रहते हैं। ये देखो पूरी गली पार है, और यहाँ से मैं भाई बाहर जाऊँगा, बारिश का मौसम है बहुत खतरनाक। ये जो गली है भाई बहुत खतरनाक, और यहाँ पर सारे लोग किस तरह से रहते हैं, और देख सकते हो मतलब पूरा बंद मिलेगा भाई, देखो पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से लोग रहते हैं। ये है समुद्र के किनारे की लाइफ, अभी मैं सीधा बाहर की तरह आ चुका हूँ, देखिए किस तरह से लोग रहते हैं भाई। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मुंबई की लाइफ ये होती है, देख पा रहे हैं भाई। अभी मैं सीधा बाहर की साइड आ चुका हूँ, और अभी उस तरफ भी जाऊँगा, और आप आ जाओ भाई। तो भाई देख सकते हो मतलब इतनी सी गली है, रास्ता नहीं मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? आविष्कार। आविष्कार, अच्छा क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते, इधर ही रहते हो तुम भी? अच्छा पढ़ाई वगैरह करते हो? अच्छा अच्छा, तो भाई देखो इस बच्चे ने मुझे पूरी गली दिखाई, पूरा यहाँ का एरिया घुमाया, वो इधर से इधर को निकाल के लेकर आया, और अभी मैं फिर से यहाँ पर वापसी जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसा होता है हम आते हैं तो हमें पता नहीं होता कौन सी गली किधर से है, तो ये बच्चे इधर ही रहते हैं और इधर ही स्ट्रगल करके रहते हैं। अच्छा बेटा कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 12 साल के हो गए। अच्छा अच्छा, चलो भाई फिर से लेके चलता है बच्चे इधर। भाई कितनी खतरनाक गली है भाई, मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ।
रुक जा भाई रुक जा, मुझे अकेला मत छोड़ के जा। चलो 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 भाई, देखो कैसी कैसी गलियों से निकाल के ले जा रहा है भाई, किस कदर मतलब कैसे यार लोग रहते हैं ये देखो यार भाई। अच्छा अच्छा ये देखो भाई कितनी खतरनाक है यार। सुनो इधर सुनो, तुम यहाँ कितने साल से रह रहे हो? हाँ इधर ही पैदा हुए हो? अच्छा अच्छा भाई देखो, एक दूसरे को साइड नहीं मिल सकती और जीने देख सकते हो भाई, मतलब किस तरह से लोग रह रहे हैं भाई। ये देखो भाई, इस गली में सोनार की दुकान भी है और मार्केट वगैरह भी है भाई। देखो कपड़े सीने की दुकान है, ये देख सकते हो भाई, और अंधेरा पूरा हो रहा है। अच्छा इधर भी गली है भाई, देख सकते हो। चलो 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 चलो, तो होगा यहाँ पर तो है ना। अच्छा तो गाइस देख लो भाई, बच्चा बता रहा है कि पानी वानी भी आ जाता है, ये पूरा सब भर जाता है क्योंकि समुंदर है पास में ही। और भाई देख सकते हो कितनी खतरनाक गली घुमा रहा है बच्चा मुझे, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसी गलियों में घूम रहा हूँ, मैं कभी नहीं घूमा भाई। देख सकते हो भाई मैं इसके साथ घूम रहा हूँ बच्चे के, और चारों तरफ अंधेरे अंधेरा नज़र आ रहा होगा, कैमरे की क्वालिटी थोड़ी घटी होगी, तो इसीलिए मैं सारा बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ भाई। देखो मतलब किस तरह से लोग रहे। अच्छा ये बताओ यहाँ पर पानी वगैरह भी आ जाता है समुद्र वगैरह का? अच्छा देख सकते हो, मतलब यार इतनी इतनी छोटी गलियों में कैसे रह लेते हो तुम लोग? अभी वो सब कुछ पहले से साल हो गए ना। अच्छा इधर भाई गली भी भूल गया बंदा। चलो अभी निकलते हैं, पूरा अंधेरा है चारों तरफ, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये देखो भाई किस तरह से यार लोग रहते, भाई बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, यकीन नहीं हो पा रहा है मुझे। तो भाई अभी आ चुका हूँ बिल्कुल बाहर, और भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा यार मुझे इतनी खतरनाक गलियों में ले जाएगा और इतना खतरनाक स्लम एरिया भी मुझे दिखाएगा। तो अच्छा परेशानी तो फिर भी पड़ती होगी ना बहुत ज्यादा, पानी वानी आता होगा, कीचड़ आता होगा, पढ़ाई में सारी चीज में दिक्कत होती होगी। मुझे घुमाने के चक्कर में इस बेचारे की चप्पल टूट गई यार, अब मम्मी मारेगी क्या? चिल्लाएगी कि चप्पल तोड़ के लाया है। चलो चलो चलो, तो गाइस अभी लेकर आ गया भाई ये बच्चा मुझे और दूसरी गली के अंदर। अच्छा अच्छा, तो गाइस देख लो भाई ये होती है भाई मुंबई की स्लम एरिया की लाइफ। देखो भाई किस तरह से लोग रहते हैं, पूरा अंधेरा हो पड़ा है। देखो अभी हम सीधा आगे से निकलेंगे और रास्ते भी नज़र नहीं आ रहे भाई, किधर किधर से ला रहा हूँ भाई, इतनी छोटी गली। ओ भाई रुक जा भाई, मैं खो ना जाऊँ। ओ भाई अच्छा 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 भाई, इतनी छोटी छोटी गली भाई बिलीव नहीं कर सकता भाई। अच्छा ऐसा क्यों, बाहर क्यों नहीं निकलता है? अच्छा चलो चलो। सो भाई देख सकते हो भाई इस बच्चों को इतनी नॉलेज है ना यहाँ के बारे में, क्योंकि ये यहीं पला बड़ा है, इसकी पैदाइश हुई है भाई, तो सारा कुछ बता रहा है मेरे को। और आप भी अच्छी तरह से भाई देख सकते हो किस तरह से लोग रहते हैं भाई, इतनी खतरनाक गलियाँ होती है भाई आप देख सकते हो। अभी मैं सीधा इसके अंदर से आया हूँ, तो अभी मैं सीधा बाहर आ चुका हूँ, और भी जो है आप सभी को सारा कुछ दिखाता हूँ भाई। ये देखा देख सकते हैं भाई किस कदर मतलब किस से यार लोग रहते हैं, इतनी इतनी सी गली भाई बिलीव नहीं कर, फर्स्ट टाइम ऐसी गलियों में घुसा हूँ भाई। इस बच्चे ने मुझे ऐसी ऐसी जगह ले गया ना भाई, डर लग रहा था मुझे बहुत, खतरनाक वाला। यहाँ पर ये भाई मिले हैं। अच्छा भाई ये बताओ, जैसे कि यार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और अभी मेरे को एक बच्चे ने घुमाया पूरा सिलम एरिया, तो आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी कोई ऐसी दिक्कत? हाँ परेशानी तो बहुत है, जैसे देखिए तो कितने सब है पूरा कचरा आ जाता है। हाँ हाँ, और बारिश में मतलब तो यही बारिश का टाइम ही होता है सब कचरा आने का, पहले तो बारिश के पहले मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बारिश जैसे आती है वैसे ही कचरे बहुत बढ़ जाते हैं और पानी बहुत ऊपर तक चले जाता है घर के। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुषार। अच्छा कुशाल। अच्छा ये बताओ मुझे आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? मैं जन्म ही वहाँ पे यहाँ पे हुआ है, 17 साल का हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपकी भी खोली इधर ही है? हाँ यहाँ पे ही है। अच्छा अच्छा, तो उसका क्या किराया वगैरह कितना जाता है? जैसे 6,000-7,000 ऐसे चलता है। अच्छा अच्छा, तो गाइस देख सकते, अच्छा तो भाई देख सकते हो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ पर लोग रहते हैं और भाई इतना किराया वगैरह देना पड़ता है। तो आप पढ़ाई करते हो? हाँ पढ़ाई। तो परेशानी जैसा मैं देख रहा हूँ समुद्र का पानी ओवरलोड हो रहा है, समुद्र का पानी जो किराए जो मतलब नजदीक है दरिया के उनको ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अच्छा तो बहुत परेशानी होती है। अच्छा और जैसे पीने का पानी वगैरह किस तरह? पानी अंदर आता है उतना प्रॉब्लम, लेकिन जो बाहर साइड में उनको तकलीफ होती है वो लोग जाते हैं अंदर लेने के लिए।
अच्छा यहाँ पे कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा आप लोगों की परेशानी होती पानी वानी की? नहीं, हमारा घर अंदर है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता कि वैसा होता होगा थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत होता है। अच्छा अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं भाई, भाई से बात करके अच्छा लगा और भाई ने यहाँ की पूरी परेशानी बताई। तो ये लोगों की यहाँ की भाई सिलम एरिया की जिंदगी है रहने की, तो बहुत जानकारी मिली और भाई यहीं पर ही रहते हैं। तो गाइस मुंबई की लाइफ बहुत स्ट्रगल हो। हाँ यार, अगर जाना है मुंबई तो बांद्रा साइड जाओ। कोई नहीं यार, आप भी एक दिन बांद्रा साइड जाओगे और पंडित के काफी बड़े आदमी बनो, हमारी यही दुआ है आपसे। तो अभी देखते हैं गाइस और भी आपको दिखाता हूँ, देन अभी मैं सिलम एरिया में घूम रहा हूँ और यहाँ के लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब जैसे भाई से बात करी तो पता लगा कि यहाँ क्या लाइफ क्या भाई है ना। पानी का मतलब क्या है कि 15-15 दिन में चेंज हो गया। अच्छा, जब ऐसा अभी है कि अभी ये 15 दिन पहले पानी कैसा ऊपर मार के मट्टी पूरा ऊपर डाल दिया था। हाँ हाँ, अभी फिर ये अभी जैसे नारली पूर्णिमा आते हैं, जैसे वर्ल्ड पूर्णिमा आता है, पानी कैसा अभी चेंज होगा। अच्छा, हाँ पूरा मट्टी वगैरह है इधर। पानी जो आज पानी भरा उसमें थोड़ी मट्टी कट गई है। अच्छा, और एक हफ्ते में पूरा मट्टी कट के मतलब ये सब पत्थर ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये डाली ले इधर मतलब कोस्टल रोड के लिए, वो सब पत्थर ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो लोगों को परेशानी वगैरह खास करके तो ये है कि मट्टी ऊपर का तभी परेशानी भी हो रही है। जब ये पत्थर निकलते तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्या होता है जो लाट इस पे पड़ के प्रेशर टूट जाता लाट का। हाँ, अभी जैसे मट्टी ऊपर है इसके लिए कैसा डायरेक्ट लाट घर के ऊपर पड़ने की मतलब ये रहती है। अच्छा, तो भाई देख सकते हो अभी तो परेशानी है और पानी की भी बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो रही है। पब्लिक वगैरह सब नहाती थी, अभी कोई नहाता नहीं उधर है ना पूरा सिलम। मतलब बाहर वाले लोग को मना है, जैसे जाने के लिए बंद रहता है, जैसे लाइफगार्ड लोग रहते हैं सब लोग। हाँ हाँ, मतलब यहाँ जो सिलम में रहते हैं उनको सब पता रहता है। तो वो हाँ, तो अभी खुद में अभी हम लोग खेलते हम लोग जाते रहते हैं। हाँ हाँ, तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि ओवरलोडिंग पानी है ना। भाई से मिलकर काफी अच्छा लगा, चलो अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि पूरा सिलम एरिया घूम चुका हूँ और सब कुछ अंदर से मैंने देख लिया है पूरा अपना ब्लॉग शूट कर। फाइनल गाइस अभी आ चुके हैं, अभी सिलम एरिया से निकल के और काफी टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है, तो अभी अपने घर की तरफ की आ चुका हूँ। तो फाइनली गाइस ये आज का व्लॉग कैसा लगा भाई, एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट्स कर रहा। जैसे कि गाइस आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भाई कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की रियल लाइफ भाई, किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह खतरों के खिलाड़ियों की तरह रहते हैं वो लोग, पानी ओवरलोड हो जाता है, कितनी परेशानियों से रहते हैं। और भाई बिलीव नहीं कर सकता मैं, जैसे कि गलियों में घूमा भाई, कितनी खतरनाक गली, मुंबई का सिलम एरिया है धारावी, उससे भी ज्यादा खतरनाक। मैं ऐसी गलियों में फर्स्ट टाइम घुसा और उस बच्चे ने मुझे पूरे में घुमाया। सो फाइनली गाइस ये व्लॉग आपको कैसा लगा भाई, एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट्स करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि अगला आने वाला व्लॉग आप मिस ना करें और ऐसे ऐसे व्लॉग देखते रहें। और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लाता रहूंगा और बहुत बड़ा सपना है आउट ऑफ कंट्री भी मैं बहुत जल्द निकलने वाला हूं। तो अभी मेरी सीरीज चल रही है मुंबई की, तो सजेशन करो यार, और सजेशन करो, अच्छी अच्छी कमेंट करो किस टॉपिक पर आपको व्लॉग चाहिए मुंबई के अंदर रहकर, मैं आप सभी के लिए वो व्लॉग बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय 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 बाय, ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा।